तो गाइज अभी हम लोग आए हैं कसाब खेड़ा और ये कहाँ है हमको खुद ने पता है। तो शफीक भाई का कुछ तो भी ट्रक का एक्सीडेंट का ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया था, कर दिया उन्होंने। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मायसेल्फ काशिफ एज होप यू आर गोइंग वेल। आज डेट है 14th of July 2023 और आज है फ्राइडे। और अभी देखिए सुबह के कुछ 11 बज रहे हैं। अभी मैंने टाइम लैप्स देखा तो सुबह सुबह के थे वो 6-7 बजे के आसपास। तो गाइस जैसा आपने लास्ट सीन देखा तो उसके बाद अदीप भाई को मिलने के लिए गया था, हमने चाय पी आदर शॉप पे, उसके बाद जुम्मा की नमाज पढ़े, फिर अरबाज भाई के घर पे गए थे। आज उनका एंगेजमेंट है तो थोड़ा बहुत उनके घर पर हम शूट कर रहे थे और अभी वो लोग निकल गए हैं आगे और मैं अदीप भाई बाइक पे जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है मैं आज ज़्यादा व्लॉग शूट कर पाऊँगा क्योंकि मैं ज़्यादा शूट के अंदर ही बिजी हूँ, मेरे को कैमरे से शूट करना पड़ रहा है आज। और अभी हम जा रहे हैं दौलताबाद की तरफ, कुछ शरणापुरा है, शरणापुरा के पास कहीं तो भी जा रहे हैं, अब मुझे खुद एग्जैक्ट नहीं पता है। जाएंगे और पहुँचे बाद आपको बताता हूँ। तो पेट्रोल हो गया है, हो गया पेट्रोल भरना, पेट्रोल हो गया, हो गया। अभी हवा चेक करानी है, तो हवा भी फील हो गई है, चलो चलते हैं। हाँ रुका दो, लोकेशन तो बता दे रही, आ गए बोल के। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं कसाब खेड़ा और ये कहाँ है हमको खुद ने पता है, बस दौलताबाद के आगे है एलोरा केव्स रोड के ऊपर। लोकेशन पे आ गया था, बारिश भी चालू हो गई। अरे यार यहाँ रुके और बारिश चालू हो गई। आ जाओ आ जाओ झाड़ के नीचे, छोटा झाड़ है बारिश से बचा दे रहा है। तो गाइस आज का दिन भर सिर्फ शूट के अंदर बिजी थे हम। तो हम गए थे कसाब खेड़ा जो आई थिंक कन्नड़ रोड के ऊपर है, जब हम औरंगाबाद से कन्नड़ जाते तो उस रोड के ऊपर है। दिन भर बस एंगेजमेंट के शूट में थे, फिर वहाँ से निकले, रास्ते में कोई इंसिडेंस हो गया, कुछ भीड़ जमा थी लोगों की, तो वहाँ पर शफीक भाई खड़े हुए थे। जैसा हम थोड़ा सा आगे गए फिर हमने शफीक भाई को देखे वापस आए, तो शफीक भाई का कुछ तो भी ट्रक का एक्सीडेंट का ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया था। तो वहाँ पर शफीक भाई से मुलाकात किए, फिर शफीक भाई से मुलाकात करके निकले, तो फिर रास्ते से भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने। तो हम रुके थे बाबा पेट्रोल पंप पे हाजी टी हाउस पर, वहाँ पर हमने डिकाशन किए, फिर उसके बाद मैं घर आया और अभी डिनर वो हो गया है और अभी 9 बज रहे हैं। तो अभी मुझे जल्दी ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट जाना है, 1 घंटे के अंदर वहाँ पर शूट कम्प्लीट कर कर आना है और फिर देखते आगे क्या होता है। गाइस आज का दूसरा दिन, आज डेट है 15th of July 2023 और अभी देखिए मुझे अचानक एक ऑर्डर पर जाना है। तो ये है हमारी बेटी दुआ और अभी इन्होंने एक नई चीज़ सीख ली है, नई चीज़ सीखे या एक नई चीज़ फील करने लग रहे हैं अभी, मीन्स ये सिर्फ 10 महीने के हैं, अब 11वां महीना लगेगा इनको। तो सिर्फ 10th मंथ की बेबी से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे। कल ऐसा हुआ कि ये इसी थोड़ा सा रो रहे थे, नहीं रो रहे नहीं थे, ऐसा नॉर्मल थे, खेल रहे थे, तो मैंने इनको ऐसा चेक कर रहा था मैं, तो मैंने ऐसा उनको गुस्से से ऐसा आवाज़ दुआ क्या है ऐसा बोले, तो ऐसा होठ नीचे से ऐसा बाहर निकाल के रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। देखो तो मेरे को इतना ज़्यादा ताज्जुब हुआ और क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हो गया क्योंकि मैं बोला यार एक 10th मंथ की बेबी ऐसा कैसा कर सकती है। तो ये मेरे को चीज़ थोड़ी सी यूनिक लगी तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करना। और गाइज आज का हमारा व्लॉग यहीं तक रखते हैं और आज है 15th of July 2023 और अभी मुझे न्यू व्लॉग स्टार्ट करना है। तो गाइज अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, ओके, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए।